दोस्तों, हम लोग पहुँच चुके हैं गरियाबंद। सामने आपको राइट साइड में जो बोर्ड दिख रहा है, यहीं से दोस्तों 3 से 4 किलोमीटर अंदर जाना है भूतेश्वर महादेव के लिए। चलिए चलते हैं अंदर और आप लोग को कराते हैं दर्शन। दोस्तों, इसी रोड को पकड़ के आपको सीधे चलते रहना है, ठीक है? भूलने का काम नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि यहाँ पे जगह जगह बोर्ड लगा हुआ है, आप उसको देखते हुए सीधा पहुँच सकते हैं। इस रोड को दोस्तों छोड़ना नहीं है आपको, बस चलते रहना है आगे। चलिए दोस्तों, इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई। ये लेफ्ट साइड जो आपको दिख रहा है, ये है भूतेश्वर महादेव। हर हर महादेव दोस्तों, महादेव की नगरी भूतेश्वर गरियाबंद हम लोग पहुंच चुके हैं। ये देखिए, महादेव का दर्शन कीजिए। चलिए चलते हैं अंदर से और अंदर से दर्शन कराते हैं आप लोगों को। दोस्तों, जैसे ही आप अंदर घुसेंगे, इस तरह से यहाँ पे प्रसाद की दुकानें लगी हैं, ठीक है? और हमें जाना है सीधा महादेव का दर्शन करने के लिए। चलिए चलते हैं आगे। दोस्तों, ये सामने महादेव। दोस्तों, यहाँ का मान्यता ये है कि ये जो महादेव हैं, पहले छोटे से थे, लेकिन हर साल ये धीरे धीरे बड़े होते जा रहे हैं। आप देख सकते हैं आप कितने विशालकाय रूप में अब आ चुके हैं। और धीरे धीरे दोस्तों, इनका महादेव का जो आकार है, शिवलिंग का आकार, ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। दोस्तों, जब यहाँ पे आए तो थोड़ा बंदरों से सावधान रहे। प्रसाद जो है, कृपया हाथ में अपने ना पकड़े, क्योंकि बंदर जो है अपने हाथ से छीन के आपके लेके चल जाएंगे, ठीक है? तो बैग में ही उसे रखें। यहाँ पे बहुत से बंदर हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे ही चढ़ाते हैं प्रसाद, ये आके तुरंत ये जो इलायची है, देखिए इसको फाड़ के खा रहे हैं। जैसे यहाँ जो भी समय लगाएंगे वो खाते रहते हैं। चलिए दोस्तों, आप लोगों को थोड़ा सा गरियाबंद का बाज़ार घुमाते हैं। आज बाज़ार का भी दिन है और हम लोग भी यहाँ से कुछ शॉपिंग कर लेते हैं, उसके बाद चलिए चलते हैं फिर वापस। आप भी घूमिए गरियाबंद का बाज़ार। दोस्तों, इस बाज़ार का खास बात यह है कि यहाँ पे सामान जो है बहुत सस्ता है। लोग अपने ही बगीचे में यहाँ पे उगाते हैं और सीधे बाज़ार में बेचने के लिए लेके आते हैं, इसलिए आपको सामान भी ताज़ा मिलेगा और सस्ते दामों में। दोस्तों, आप सभी ने भूतेश्वर महादेव का दर्शन किया। चलिए, अब वापसी का समय आ चुका है, चलते हैं वापस। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।